अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आपके सामने जो मोहम्मद नाम दिख रहा है, आप भी जो है उस तरह का नाम, अपने नाम का जो है लोगो इस तरह बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पिछली वीडियो में बहुत सारे साथियों ने जो है कमेंट की थी कि इस तरह का नाम जो है किस तरह बनाते हैं, तो हम आज उसी वीडियो को सीखने वाले हैं कि इस तरह का नाम जो है कैसे बनाया जाता है। उसके लिए जो है बहुत ही आसान है, एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, पिक्सेल लैब, तो उसे आप डाउनलोड कीजिए। उसमें किस तरह जो बनाते हैं हम आज आपको बताएंगे। चलिए हम अपना पिक्सेल लैब जो है ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास मौजूद है, हम उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी पर दो मरतबा आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखने वाला ऑप्शन जो है आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है लिख लेना है, हमने मोहम्मद बनाया है तो हम मोहम्मद ही बनाकर दिखा देंगे। देखिए मोहम्मद कुछ इस तरह से है, लिख लिया है। उसके बाद जो है आपको ए वाला जो ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर ले। उसके बाद यहाँ फाउंट वाला ऑप्शन होगा, फाउंट पर चले जाए। देखिए यहाँ पर फाउंट वाला ऑप्शन है, फाउंट में चले जाए और जो है हमारे पास एक फाउंट है, हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसका भी इंशाल्लाह हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कर ले। देखिए यहाँ पर मोहम्मद जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जो है उसके नीचे जो लकीर खींचे हैं हमने, वो किस तरह से खींचे हम बता देते हैं। देखिए उसी पर दो मरतबा क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से 1 2 3 4 जो भी लिखेंगे तो उसके हिसाब से जो लकीर आएगी, हमने जो है 4 लिखा था तो हम 4 को सेलेक्ट, देखिए इस तरह से 4 को सेलेक्ट करने से जो है लकीर आ गई। आप अपने नाम के हिसाब से जो है 1 2 3 जो है आखिर में जो लिख देंगे तो इस तरह से जो है लकीर आ जाएगी, तो आप भी अपने नाम से जो है इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी एक कॉपी निकाल लेनी है। देखिए कॉपी निकालने के लिए जो है यहाँ पर कॉपी वाला ऑप्शन है, ए के ऑप्शन में जो है रहता है, कॉपी निकाल लीजिए और इसको सेलेक्ट करके जो है यहाँ पर आ जाए स्ट्रोक जो ऑप्शन होता है, स्ट्रोक देखिए यहाँ पर है, इस पर क्लिक कीजिए और इसे इनेबल कर लीजिए और यहाँ सफ़ेद कलर जो है सेलेक्ट कर लीजिए और इसे जो है यहाँ 40 कर दीजिए और जो है ओके कर दीजिए और इस मोहम्मद को जो है सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको कलर में आ जाना है, यहाँ देखिए कलर वाला ऑप्शन है, कलर में आकर इसे जो है काला कलर जो है दे देना है। उसके बाद ओके कर दे। उसके बाद इन दोनों को बराबर बीच में कर दे। देखिए बीच में करने के लिए जो है यहाँ ऐसा ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें। उसके बाद इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दे, फिर इसको सेलेक्ट करके इसे भी बराबर जो है बीच में कर ले, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इस वाले ऑप्शन पर चले जाना है, इस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर क्लिक करके इन दोनों को मिला लेना है और मिला लेने के बाद इस पर क्लिक करें और ओके कर दे। देखिए इस तरह से करने से जो है दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद जो है हमें जो है काला कलर जो है बीच में उसे जो है इरेज़ करना है, मिटाना है, तो उसके लिए इस ऑप्शन पर चले जाइए और उसके बाद यहाँ इरेज़ कलर बोलकर जो है ऑप्शन होगा उस पर आप चले जाइए। देखिए यहाँ पर इरेज़ कलर बोलकर ऑप्शन है, इस पर करे जाइए और उसको इनेबल कर लीजिए। उसके बाद आप इस वाले ऑप्शन पर चले जाइए, यहाँ जो दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर चले जाइए और काला कलर जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर काला कलर जो है मिट गया है, उसके बाद आप ओके कर लीजिए। उसके बाद आप इसकी और एक कॉपी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर ए में जो है इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जो है आप इसकी कॉपी निकाल लीजिए। उसके बाद इन दोनों को बराबर बीच में कर दीजिए। देखिए बीच में करने का तरीका बता चुका हूँ आपको, इसको सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से जो है बीच में कर लीजिए। उसके बाद इन दोनों को मिलाकर एक कर लीजिए। देखिए मिलाने का भी तरीका मैंने बता चुका हूँ, इसको क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको एक गोल दायरा बनाना है, उसके लिए आप यहाँ प्लस पर क्लिक कीजिए, ऊपर यहाँ जो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद चौथे नंबर पर जो 4 नंबर पर शेप्स है इस पर क्लिक करके शेप्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको ये जो से जो है गोल कर लेना है, यहाँ पर चले जाइए, सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर यहाँ से गोल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पर जो है इसको जो है पूरा कम कर दीजिए और जो है नीचे वाला जो है उसको पूरा जो है इस तरह से कर दीजिए और ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपने हिसाब से जो है इसको रखना है,
से चेन बटानी है। देखिए अपने हिसाब से जो है इसे रख लीजिए यहाँ पर। देखिए उसके बाद यहाँ पर रख देते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों को जो है सेलेक्ट कर लेना है, इन दोनों को मिलाकर भी जो है आपको एक कर लेना है। देखिए एक कर लेने के बाद उसके बाद जो है आपको यहाँ पर टेक्सचर पर चले जाना है। देखिए यहाँ पर टेक्सचर बोलकर जो ऑप्शन होगा टेक्सचर, इस पर चला जाना है और यहाँ से अब जो आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर भी हम इंशाल्लाह अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। TN एडिट्स हमारे ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करें TN एडिट्स, वहाँ पर जो है आ जाएगा। देखिए ये वाला जो है कलर हम डाल देंगे, ये वाला कलर है। देखिए उसके बाद आप इसको इनेबल कर लीजिए और अपने हिसाब से रख कर जो है ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको सबसे आखिर वाले ऑप्शन पर आना है और एम्बोस जो दिख रहा है यहाँ पर, उस पर क्लिक करके इनेबल कर लीजिए। उसके बाद आप इसको जो है 60 कर दीजिए, 60 या उसके आसपास जो है आप कर सकते हैं। इसको भी 60 कर लेते हैं और इसको जो है 40 कर दीजिए और इसको पूरा कम कर दीजिए और जो है ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको इस पर आकर इनेबल कर देना है और इसको पूरा जो है कम कर दे, एक पर रख दे और यहाँ शैडो पर आ जाए, इसको भी इनेबल करके इसको थोड़ा कम कर दे, एक पर कर दे इसे। उसके बाद 3D शेप में चले जाए और इसको इनेबल कर दे और जो है इसको एक पर कर दे और यहाँ पर जो ये दिख रहा है इसको पूरा कम कर दे और इसको पूरा बढ़ा दे। उसके बाद ओके कर दे। उसके बाद जो है आपको चेन जो है बिठाना है, उसका भी हम जो है फ़ोटो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कीजिए। देखिए हमारे पास वो मौजूद है, कुछ इस तरह का है और भी बहुत सारे दूसरे कलर की भी चेन्स हैं वहाँ पर, उसे जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आपको एक काला कलर जो है मिटा देना है, उसके लिए आप फिर से जो है इरेज कलर जो दिख रहा है इस पर जाकर इसे इनेबल कर लीजिए। उसके बाद जो है आप कलर को सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन पर चले जाइए और जो है काला कलर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए और जो है इसे अपने हिसाब से जो है आप यहाँ पर डाल लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसके बाद आप जो है इसको यहाँ पर डाल दीजिए। देखिए फिर इसके बाद इन तमाम को मिला लीजिए। देखिए मिला लेने के बाद आप इसको जो है अभी बैकग्राउंड देना बाकी है। बैकग्राउंड जो है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन पर चले जाए और यहाँ से फ्रॉम इमेज जो दिख रहा है इस पर क्लिक करते और यहाँ से जो है हम बैकग्राउंड वाले भी बहुत सारे फ़ोटोज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके हैं, वहाँ से उसे जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत सारे हमने वहाँ पर जो है दे रखे हैं, बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको इनेबल करके ओके कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से जो है हमने नाम बनाकर तैयार किया है, इसको जो है आप अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर वगैरह रख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, इस तरह आप अपना भी नाम बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो है आप अपना नाम बना सकते हैं, जिस तरह से भी चाहे आप सेट कर सकते हैं। अगर दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो वो भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर ले, हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में चले जाए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है TN एडिट्स, उसका लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं। देखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
देखिए इसको सेव कर लेना जो है, यहाँ से सेव करते हैं और सेव इमेज कर दे, और यहाँ सेव टू गैलरी जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दे। देखिए हम आपको दिखाते हैं गैलरी में जाकर, अभी देखिए अभी देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है नाम बनकर तैयार हो चुका है। आप भी जो है अपना नाम बना सकते हैं सिर्फ एक ऐप से जिसका नाम पिक्सेल लैब है, उससे बहुत ही आसानी से जो है आप बना सकते हैं। बैकग्राउंड और जो चेन वगैरह है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।